हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल है सत्या भाई जा रहे हैं एक बड़ी ही प्रीमियम राजधानी, मुंबई राजधानी में। और उनकी ट्रेन अच्छे खासे क्रॉस करने लगी है, अच्छे खासी ट्रेनों को स्किप करने वाली है। तो ऐसे में सत्या भाई एक बड़ी ही प्रीमियम ट्रेन के ऊपर सवार है। एक तो प्रीमियम होने की वजह यह है कि वो राजधानी है, और दूसरी ये बात है कि ये राजधानियों की भी राजधानी है, यानी कि ये मुंबई की तरफ जाने वाली राजधानी है, जिसे भारत की रेलवेज में एक ताज की हैसियत हासिल है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्योरिटी हासिल है। तो ऐसे में जब ट्रेन को प्योरिटी हासिल होगी तो फिर यकीनी तौर पर शानदार स्किपिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद दिन पहले सत्या भाई के साथ माधुर एक्सप्रेस का एक सफ़र देखा है, जिसमें उनकी ट्रेन को खड़ा कर दिया गया था और कमोबेश को 10-15 ट्रेनों ने क्रॉस किया था, और एक 1.5 घंटा सत्या भाई वहीं खड़े रहे थे। शायद आज उस चीज़ का वो गम थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज एक ऐसी ट्रेन पर सवार हैं जो बहुत सारी ट्रेनों को स्किप करने जा रही है। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम यार कंटेंट पसंद आए तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रूट्स तो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ, पर आज ओवरटेक्स देखने में मज़ा आ रहा था भाई। आज मेरा मेन फोकस उसमें रहने वाला है। गाड़ी 130 की रफ्तार में लगातार भाग रही है, 5 ओवरटेक ऑलरेडी कर चुके हैं केवल झांसी से ग्वालियर के बीच में, अब ग्वालियर से दिल्ली के बीच में। तो मुझे लगता है 5-7 ओवरटेक तो यहाँ भी होने वाला है, वो भी संपर्क क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेन से। बने रहिए, मज़ा बहुत आने वाला है। संपर्क क्रांति को राजधानी ओवरटेक करेगी। ओह माय गॉड, आज तो ये वैगन 9 लगाया हुआ है। वैगन 9 को तो कोई भी ओवरटेक कर ले, क्या बात है। भारत की सबसे प्रीमियम राजधानी है मुंबई राजधानी। जब ट्रेन इतनी लग्जूरियस हो तो यात्रा करने में किसे मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसी कमाल की यात्रा रही थी हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस में। खाना पीना बिल्कुल गर्मा गर्म इसमें सर्व किया जाता है, सभी सुविधाएं इसमें बिल्कुल बेहतरीन हैं। इस ट्रेन को इसके रूट में खूब प्रायोरिटी मिलती है, लगातार ये ट्रेनों को ओवरटेक करते हुए बिल्कुल कम समय में दिल्ली तक के अपने सफ़र को तय करती है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ ट्रेन में लोकोमोटिव लगाए जाते हैं ताकि पुश पुल प्रणाली से तेज़ गति प्राप्त हो सके। घाट सेक्शन में बेहतरीन नज़ारों के साथ हम लोगों ने मुंबई से अपने सफ़र को शुरू किया था। नज़ारे वाकई में इस रूट में ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे आपको बाकी रूटों में नहीं देखने को मिलेंगे। तो कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मानसून में इस रूट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी घाट के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, और मैं आप लोग को बता दूँ, खूबसूरत सी शाम ढल चुकी थी और गर्मा गर्म सूप पीते हुए हमारी ट्रेन ने 130 की रफ्तार को छू लिया था, और हम लोगों ने मनमाड स्टेशन को बिना रुके पार कर लिया था। और ऐसे ही हमारी ट्रेन भुसावल स्टेशन में भी नहीं रुकी थी, और अब बारी है इस जर्नी के पार्ट 2 की। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पार्ट में आपको एक से एक ओवरटेक देखने को मिलेंगे, जहाँ हमारी राजधानी एक्सप्रेस 6-7 ट्रेनों को गजब की रफ्तार में ओवरटेक करेगी केवल झांसी से दिल्ली के बीच में ही। तो एक एक्साइटमेंट जो है आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है इसमें। कमाल की राजधानी शहरों से ही आगे निकल जाती है। अच्छा, अभी सुबह सुबह का वक्त है और हमारी ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय से 5:05 पर पहुंच चुकी थी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आके मेरे को एहसास हुआ कि हाँ भाई, ठंड अभी भी है। और बगल में हमारे महाकौशल एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जो कि जबलपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। उसको यहीं पर ओवरटेक करते हुए हम लोग सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे में ही और बहुत सारे ओवरटेक देखने को मिलेंगे। वैसे झांसी की बात करूँ तो यहाँ से आपको कानपुर की लाइन मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सीधा पड़ता है। अगर आप आगरा की तरफ से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ से आप प्रयागराज वाली लाइन की ओर भी बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। यानी महाराष्ट्र से यूपी तक तो पहुँच आए हैं। धाम एक्सप्रेस जबलपुर से हजरत निज़ामुद्दीन, बड़ी प्योरिटी वाली ट्रेन है। एक तो राजधानी है, दूसरा मुंबई राजधानी है। गजब की रफ्तार बना के चलती है। सर
संपर्क क्रांति का ओवरटेक कर दिया यशवंतपुर से चंडीगढ़ की। संपर्क क्रांति तो दिल्ली से नहीं छूटती। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग टी यहाँ पे सर्व कर दी जा चुकी है एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैंने तो 5:15 ही उससे पूछ लिया था, पर मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ। और अभी ओवरटेक्स का सिलसिला चल रहा है, राजधानी प्रायोरिटी को हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी कमाल की राजधानी है, जो जो सामने आ रहा है सब ओवरटेक हो रहे हैं। आज बहुत सारे ओवरटेक्स आपको मिलेंगे देखने को, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। ब्रेकफास्ट भी इस ट्रेन का मैंने बहुत तारीफ सुनी कि ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, और वो भी ट्राई करेंगे। 2018 के बाद मैं आज इसमें 19 के बाद आज इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो और मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसा होने वाला आगे का सफ़र, इन्जॉय करिए सर। बड़े लंबे अरसे के बाद तो सत्या भाई इस ट्रेन पर आ रहे हैं, कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर से दिल्ली की। लगता है सत्या भाई अपना वो थोड़ा सा एहसास खत्म कर रहे हैं जो पिछले दिनों मधुर एक्सप्रेस में इनके साथ गुजरी है, आज उसका बदला ले रहे हैं। ये खूबसूरत दिन का आगाज, मुंबई पहुंचते दिल्ली पहुंचते पहुंचते सुपहर का वक्त तो हो ही जाएगा। माल की रफ्तार है अपने जितनी जिसको अलाउ की गई है 130, जो राजधानियों से के लिए मुख्तस है। अम्बरसर मेल एक्सप्रेस मुंबई से अम्बरसर की, ये क्या उसके आगे वैग 9 लगाया हुआ है। वैग 9 को तो फिर कोई भी क्रॉस कर लेगा, लेकिन आज LHE भी कोशिश करी ट्रेनों को भी क्रॉस हो रहे हैं यार, कमाल की रफ्तार है। राजधानी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुबह 4 बजे की चली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर मेल जो चलती है उसको भी हम लोगों ने ओवरटेक किया है। वो वैसे तो चलती 11:45 में, उससे निकलने वाला था अमृतसर के लिए और वो 5 घंटे लेट हो गई और सुबह 4 बजे करीब निकली है मुंबई से, इसलिए मैंने उसमें जो टिकट था वो कैंसिल कर दिया। शाम 4 बजे की राजधानी ली है, फिर भी उसे हम ओवरटेक कर रहे हैं ग्वालियर से पहले। ये देख लो, ये है राजधानी, इसलिए कहते हैं इसे CR की बेस्ट ट्रेन। CR सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे चलाती है, उनके जोन में पड़ती होगी। सामने आप छोटी लाइन के कोचेज यहाँ पे देख रहे हो। एक जमाना था जब ग्वालियर से शिवपुर कलान और बाकी रूट्स के लिए नैरो गेज की छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी, राजा महाराजाओं के ज़माने से ट्रेन यहाँ पे चल रही थी। खैर अभी तो ये बंद कर दी जा चुकी है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन समझ नहीं आती यूपी के बाद भी मध्य प्रदेश में कैसे। भिंड इटावा गुना वाली लाइन, इन सभी रूट्स के लिए आप जा सकते हैं। बाकी ग्वालियर में भी ट्रेन से कई लोग उतर रहे हैं, कि ग्वालियर से भी यहाँ पे कई लोग चढ़ने उतरने वाले हैं ट्रेन में अपनी राजधानी एक्सप्रेस में। आप लोग को बता दूं कि ग्वालियर में हमारा आधे घंटे का डिले हो चुका है, 6:09 यानी 6:09 AM का यहाँ पर अराइवल टाइम था, यहाँ 6:40 हम लोग पहुँच रहे हैं, मात्र 2 मिनट का होल्ड रहने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगरा कैंट 7:30 का टाइम था, तो अब जो डिले है वो होगा और 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। हर जगह 2-2 मिनट का होल्ड टाइम है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अच्छा, आप ये गतिमान वाले रूट पे तो नहीं आ गए कहीं? बहुत बढ़िया, ग्वालियर आगरा काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो भाई जो लोग ग्वालियर से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। और ग्वालियर तो हम लोगों ने बहुत घूमा है, पनवाड़ी पोहे से लेकर यहाँ का जो किला है नैरो गेज वाली लाइन, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। बट एक चीज़ और है कि आगे हमारे 4 प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं जिन्हें ओवरटेक करेंगे, तो देखते हैं वो कब होगा। तो उसमें भी ग्वालियर आता है झांसी से पहले, फिर वही रूट होगा। लेकिन समझ नहीं आ रही कि आगरा भी यूपी इधर, फिर झांसी भी यूपी, बीच में मध्य प्रदेश का MP का हिस्सा आ गया, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा कि झांसी यूपी में ही है। तो आइए स्टेशन से निकले, ये इतनी प्रीमियम ट्रेन है, सारी प्रीमियम ट्रेनों को भी क्रॉस कर लेती है। ग्वालियर की जो सुबह सुबह की वाइब्स है ना, वो बहुत अच्छी है, और अब ठंड धीरे धीरे जा रही है, तो मौसम एक काफ़ी अच्छा सा मौसम रहता है यहाँ पे, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। डीजल लोकोमोटिव भी खड़े हैं, 130 से भी 2-4 आगे निकल जाती है।
130 तो है ही। इस लाइन के ऊपर तो यही रफ्तार सबसे ज्यादा है, क्योंकि तो गतिमान भी आगरा से आगे 160 पे जाती है दिल्ली तक। उसके अलावा जितना भी सेक्शन वो कवर करती है वो 130 ही रहता है। ठीक है भाई, आज तो फ्री ट्रेनों की भी क्रॉसिंग है। और वाह, MP संपर्क क्रांति, जबलपुर से निजामुद्दीन। छप्पन क्रांति भी तो 25 के आसपास चलती है, मतलब 20-25 के आसपास। और सबसे लंबी है जो कर्नाटक की, जो सबसे लंबा फासला करती है, और तमिलनाडु की, और सबसे छोटी शायद राजस्थान की संपर्क क्रांति। इंटीरियर बड़ा शानदार है, चलने चलाने के लिए बकायदा जगह है। स्कीपिंग भी शानदार है। खूबसूरत सनराइज, तुलुए आफ्ताब। कितना जबरदस्त नजारा है। आज तो सत्या बजेंद्र से ज्यादा बाहर कवर करेंगे। तीन तीन ब्रिज, वाह भाई, तीन है कि दो हैं? अगर तीन है फिर तो बड़ी बात है। बड़ा भी अच्छा खासा है, तीन है, वाह। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी तो नहीं थी कहीं? उसके आसपास भी ऐसी लोकेशन ही पड़ती है जो कभी डाकुओं की बड़ी महफूज पनाह हुआ करती थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग धौलपुर रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। कानपुर वाली जो लाइन है वो तो बंद हो चुकी है, छोटी लाइन यहाँ समाप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। आप लोगों ने वो जर्नी मेरे साथ एक बार देखी होगी, बगल वाले प्लेटफॉर्म से ही खुला कर दी थी। कानपुर और सरमथुरा के लिए सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, सभी चीज़ें गॉज कन्वर्जन यानी आमान परिवर्तन की हो जा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख सकते हो जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पर। सत्या भाई ने आज बाहर के नज़ारे ही कराने हैं। अच्छा, इस पे पुश पुल फार्मूला लागू किया हुआ है, एक लोकोमोटिव आगे एक पीछे, 727 अमृत नंबर है, भारत की संपर्क तरह। क्रांति आगे आगे चल रही है, उसके ओवरटेक का इंतजार है। पर फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो यहाँ पे सर्व हो चुका है, जिसमें आपको फ्रूट एक मिल जाता है, कॉर्नफ्लेक्स है, और यहाँ पे ब्रेड बटर जैम की सुविधा है आपके लिए। इस ट्रेन में आपको ये सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। बस सर्व हुआ है ना, उसमें तो बनाना है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ब्रेड बटर जैम है, ये तो मतलब पैक्ड आइटम है। अभी हमें ट्राई करना है जो ट्रेन का बना हुआ आइटम है। देखो यहाँ पे आ चुका है जो, इसमें है पोहा, उपमा और कटलेट। ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप चुनना चाहो चुन सकते हो उसमें ट्रेन में। ये जो आइटम है ये हमें टेस्ट करने हैं, देखते हैं कैसे होगा। कुछ मेन बुजुर्गों चीज़ के साथ सफर है, इसमें कर कांदा पोहा मतलब दिया गया है। अपनी असल टीम के साथ तो आज नहीं है। बहुत बढ़िया बनाया पोहा, तो उपमा भी टेस्ट कर लेते हैं। मतलब हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें तो, टेस्ट में। ये तो अच्छा हो गया। कटलेट मेन है, क्रंची तो नहीं है, काफ़ी सॉगी सा है,
ये भी 10/10 है, मतलब ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, डिनर भी बहुत अच्छा मिला था, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा मिला था, मतलब राजधानी के स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। बाकी अंकल आंटी जानते हैं खाना कैसा लगा, अंकल कैसा लगा ब्रेकफास्ट गाड़ी का? भाई बहुत अच्छा है, अब सुबह सुबह राइट टाइम मिल गया, अंकल को आगरा उतरना उससे पहले मिल गया वो मेन चीज़ है, समय से उन्होंने दे दिया। आंटी स्वाद कैसा लगा? अच्छा और कुछ ट्राई करो ना आप, उपमा वगैरह कुछ? हाँ मैंने उनको उपमा पसंद है, मुझे पोहा पसंद है। एक एक मंगवाऊँ क्या? खाने के लिए टाइम भी है कि नहीं? है टाइम लाइन है, वो इटावा से अभी आ रही है, पटना कोटा एक्सप्रेस और ऐसी और भी बहुत सारी ट्रेनें इसी रूट से आती हैं। वैसे ही कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन सत्या भाई ने थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली है, मैं पहले सोचा शायद कि अपने ही कोई है। पटना कोटा एक्सप्रेस बिहार से राजस्थान, आगरा तो नहीं आ गया, आगरा आ गया। यार इसका मतलब है फिर तो ये दिल्ली पहुंचे लो 1.5-2 घंटे में। ठीक है अंकल मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है आंटी नमस्ते। तो यहाँ पे को पैसेंजर के साथ, हाँ आंटी थैंक यू आंटी, मिलते हैं फिर हाँ बाय। को पैसेंजर के साथ हमारा अच्छा खासा रिश्ता बन गया था, तो यही होता है जब एक लंबी जर्नी होती है, को पैसेंजर का रिश्ता बन गया था, काफ़ी मतलब एजेड थे तो कई जगह मैंने हेल्प भी की थी, खाना पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी गाड़ी में, तो उनको उससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत हुई नहीं, बाकी सामान उतरवाने चढ़वाने के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करो, अगर आप लोग भी ट्रैवल करो एज पैसेंजर्स हैं, बेडिंग वगैरह उनके लिए लगा दिया करो, अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो जो एफर्ट लेने में सुकून मिलता है ना वही वाली बात है। बाकी आगरा तो फेमस है अपने ताजमहल के लिए, यहाँ के पेठे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों ने मेरे साथ आगरा भी एक्सप्लोर किया हुआ है। राजधानी यहाँ पे 7:30 आने वाली थी, 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होता है, पर गाड़ी आज यहाँ पे आधे घंटे के डिले के साथ आई है, 8 बजे यहाँ पे पहुँची है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑड हो गई। बाकी MP संपर्क क्रांति का ओवरटेक तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो हमारी बैंगलोर वाली संपर्क क्रांति है ना 12649, उसने ओवरटेक नहीं दिया, वो आगे आगे चल रही है, अब देखना है कि मथुरा के पहले होता है या बाद में, पर दिल्ली मुझे लगता है कि हम लोग पहले पहुँचेंगे, तो जो ओवरटेक की एक्साइटमेंट है वो बनी हुई है। ब्रेकफास्ट लेकिन काफ़ी शानदार था, मैंने तीनों चीज़ें ट्राई की और तीनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी। आगरा की अब तो मेट्रो भी मशहूर होगी, जो पिछले दिनों ही चलाई गई है, सबसे मशहूर तो ताजमहल ही है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। ट्रेन से नज़र नहीं आता ये आगरा कैंट से, आप लोग कानपुर वाली लाइन पे जा सकते हो, यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हो भरतपुर की ओर भी, और आगरा फोर्ट वाली लाइन जो टूंडला की ओर जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जयपुर के लिए भी लाइन गई हुई है, और भरतपुर से आप सीधा बयाना जंक्शन की ओर भी निकल सकते हो, तो मतलब बहुत सारी लाइन है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो आप लोग। सत्या भाई ने एक बार आगरा की सैर करवाई थी, तो होटल की छत पे बैठे थे, वहाँ से नज़र आ रहा था पानी, ये तो शताब्दी है, रानी जब 150 तक जाती होती थी पहले, मुंबई रतलाम वडोदरा वाली लाइन, ये रूट ही बहुत शानदार है, ये दिल्ली से आगरा का जो सेक्शन है स्किप करने वाली, यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं दिया गया राजधानी एक्सप्रेस को, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस पहले सबसे फास्टेस्ट शताब्दी उधर चलती थी, आज सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इसी रूट पे चलती है, पावन गतिमान है चाहे वो वंदे भारत है, और ये मथुरा आगरा वाली लाइन पे कोशिश ऐसे आजकल ज्यादा जो है ना LHB नजर आ रहे हैं। संपर्क क्रांति का ओवरटेक भी यहीं पे हुआ, वो देखिए
बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं मथुरा जंक्शन से ना बहुत सारे रूट भी गए हुए हैं, कासगंज फरुखाबाद के लिए लाइन गई हुई है, कासगंज से बरेली के लिए भी लाइन गई हुई है, यहाँ से अपनी मुंबई वाली लाइन तो मैंने आपको दिखाई, सीधा अलवर के लिए भी लाइन गई हुई है और दिल्ली वाली लाइन तो हम लोग बढ़ने वाले हैं। समझ लीजिए इतने इंपॉर्टेंट जंक्शन क्यों है और फिर भी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मथुरा, अच्छा ये दिल्ली से मथुरा बड़ी फेमस लाइन है, बड़ी तगड़ी लाइन है ये। पहले मेरा ख्याल था मथुरा बहुत दूर होगा। 649 यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये तो दिल्ली और आगरा के बीच करके पड़ता है, इसका रन काफी अच्छा होता है पर आज से शायद यहाँ पे ओवरटेक पड़ेगा। ये कोई मुकद्दस शहर भी है सनातन के मुताबिक, सत्यवाई भी शायद ऐसी कोई बात ही कर रहे थे। अब तो दिल्ली एक सवा घंटे की मुसाफत से है। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाया काचेगुडा कर्नाटक, और ये जो सबसे दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है, कुछ 2600 किलोमीटर के आसपास का फासला तय करती है चेन्नई की तरह, ये तमिलनाडु की संपर्क क्रांति की तरह। अपनी ट्रेन जो है ना आज बैक टू बैक ओवरटेक कर रही है, राजधानी है तो प्रायोरिटी के पूरे जलवे। माधुर एक्सप्रेस का बदला ले रहा है सत्या भाई, यहाँ जो एक डेढ़ घंटा खिला रही रखा था के साथ। ये अपनी सिया राजधानी वेब सेवन के साथ, ये ऐसे सत्या भाई हमेशा ऐसे पढ़ते हैं WAP WAG। भोपाल का ओवरटेक भी हो रहा है, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ओवरटेक करके गई है, अब हम लोग भी ओवरटेक कर रहे हैं शान ए भोपाल को। शान ए भोपाल गाड़ी लेट है काफ़ी, ये पहले भी मैंने नाम सुना था पिछली वीडियो में, उस वक्त भी ये नाम बड़ा पसंद आया था। काफी धीरे क्रॉल करते हुए आज हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, आगे आगे महाराष्ट्र संपर्क क्रांति चल रही है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति मुंबई तक जाती होगी शायद, क्योंकि स्टेट वाइज ही है इनकी जो डिवीजन है। एक ओवरनाइट ट्रेन है और अभी से दिल्ली पहुंचने में 10:30-11 तो बच जाएंगे। आगे आगे अगर ट्रेन की बात की जाए तो अभी खजुराहो से जो कुरुक्षेत्र के लिए चलती है ट्रेन, वो एक आगे आगे और चल रही है, वो लेकिन वो एकदम आगे है, लगभग बल्लभगढ़ के पास है, तो पता नहीं उसका ओवरटेक होगा भी कि नहीं। बाकी तेज गाड़ी में तो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति बस एक आगे बची है, वरना बाकी सबको हमने ओवरटेक कर दिया। अभी शान ए भोपाल एक्सप्रेस भी यहाँ पर ओवरटेक, संपर्क क्रांति भी अच्छी ट्रेनें हैं। अच्छा इसमें स्लीपर की संख्या अच्छी खासी दी गई होना है ट्रेन के बावजूद, वरना आजकल तो ट्रेनों में आपको स्लीपर कोचेस तो देखने को मिलते नहीं। रेलवे लंबे दूरी की जो ट्रेनें हैं ना उससे स्लीपर के कोचेस को हटा रही है। साफ सुथरी भी है और जनरल भी ठीक ठाक खाली है इसका। अब तो वंदे भारत का स्लीपर नहीं आया अभी तक, इसलिए जो ट्रेनें काफ़ी धीरे जा रही है। अभी दिखा मुझे क्या काम चल रहा है, राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार वाली तो कमाल है ट्रेन की, सिक्योरिटी भी और स्पीड भी। अब जाए कहीं ICF कोचेज नज़र आए हैं, अच्छा ये मैंने बहुत ट्रेन देखा है कि अगर ICF कोचेज लगे हो तो आगे लोकोमोटिव या ज़्यादातर डीजल लगा होता है या वेब 4 लगा होता है। जैसे गीता जयंती एक्सप्रेस खजुराहो से कुरुक्षेत्र, और अगर प्योरिटी वाली ट्रेन में भी आगे वेब 7 ही लगा होता है ज़्यादातर। फ्रीट गुजर रही है साथ से,
हमारा अराइवल टाइम था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में, पर अभी 10:25 हो रहा है। आगे आगे महाराष्ट्र संपर्क क्रांति चल रही है, ओवरटेक नहीं मिल रहा है। बहुत धीरे धीरे तो लगा, बाद में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लगभग 20 मिनट से गाड़ी यहीं पे क्रॉल कर रही है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अभी तो भाई कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, मिलता हूँ आपसे सीधा। हमारा यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो 9:55 का था, और 10:55 पे ट्रेन अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। जो कोच था ना, काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी साफ़ सुथरा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। पिल्लो वगैरह का क्वालिटी आप देख लो यहाँ पे, और जो ब्लैंकेट वगैरह मिले थे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के। चलिए सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं बाहर और चला जाए। आज हमें महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने ओवरटेक नहीं दिया तो नहीं ही दिया है। अब मन कर रहा है इसमें भी जर्नी कर ही लूँ, क्योंकि इतनी प्रायोरिटी जब है गाड़ी को तो जर्नी तो बनती है। देख लो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का रेक यहाँ पे खड़ा हुआ है। दिल्ली का एक बड़ा रेलवे स्टेशन। बाकी ओवरऑल आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। सीआर राजधानी काफ़ी बढ़िया ट्रेन, अगर आपको इसमें टिकट मिल जाता है तो ज़रूर ट्रैवल करिए। खाना पीना साफ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें, और ट्रैवल टाइम आज ज़्यादा लग गया क्योंकि बाकी ट्रेनें 5-5, 6-6 घंटे लेट हैं, हमारी ट्रेन 1 घंटे आई है, इसकी तो शिकायत रहेगी दिल में। लेकिन कभी अगर आप लोगों ने इसमें ट्रैवल किया तो अपने जर्नी एक्सपीरियंस को लिखना बिल्कुल ना भूलें। बस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से अमृतसर के लिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए और जर्नी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार। एक तो तेज़ रफ्तार होने की वजह यह है कि ये राजधानी एक्सप्रेस है, और जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस हैं वो 130 के ऊपर चलाई जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो दिल्ली मुंबई की राजधानी है ये राजधानियों की भी सरदार है, और ऐसे में इसे प्योरिटी दी गई और एंड तक सरते भाई कहते हैं महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को स्किप ना करने की हसरत उनके दिल में रह गई। बाकी ट्रेन ऐसी रह कोई नहीं गई थी जो रास्ते में आ रही और उसे स्किप ना किया जा रहा हो। इसका पार्ट वन सत्या भाई ने किया हुआ था और ये पार्ट टू था, और उसमें इन्होंने ज़्यादातर जो फोकस किया वो रफ्तार के ऊपर किया और बाहर के नज़ारों पे किया, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार थे। और मुस्तकिल तौर पर 130 की रफ्तार बरकरार रखी हुई थी ये ट्रेन। ये झांसी से सफ़र का आगाज़ किया गया, अलग सुबह झांसी से ये निकली, और उसके बाद इसका रूट बिल्कुल वही हुआ जो गतिमान एक्सप्रेस का होता है, ग्वालियर आगरा और फिर दिल्ली। मेरा तो ख्याल है जब झांसी से निकली सुबह 4:30-5 बजे का टाइम बता रहे थे, तो शायद दोपहर के 3-4 बजे तक पहुंचते, लेकिन वो हैरानकुन तौर पर उसके पहुंचने का टाइम 9:30-10 बजे था, 1 घंटा तक फिर से पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि दिल्ली से झांसी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, यानी कि कोई 5-6 घंटे से ज़्यादा की मुसाफत नहीं है। कुछ इसमें सेक्शन भी बड़ा तेज़ रफ्तार पड़ता है, और जो गतिमान एक्सप्रेस है वो भी इसी सेक्शन के ऊपर 160 तक जाती है, और रास्ते में एक स्किप हुआ, यानी स्किप नहीं, क्रॉसिंग हुई, भारत की गुजरे हुए वक्तों की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन यानी फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल वाली शताब्दी के साथ। और आज भी जो भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है, चाहे वो रानी कमलापति की वंदे भारत है, चाहे वो झांसी की गतिमान एक्सप्रेस है, वो इसी रूट के ऊपर चलती है, दिल्ली से आगरा के बीच इस रफ्तार पे चलती है, तो इसी के ऊपर शताब्दी भी चलती है, तो वो भी बड़ी तेज़ रफ्तार है, तो ये सेक्शन ही बड़ा शानदार है। लेकिन अगर आप आगरा से पीछे झांसी तक की भी बात करें तो भी ये जो राजधानी थी सत्या भाई की, इसने अच्छी खासी रफ्तार बनाई हुई थी और बहुत सारी ट्रेनों को स्किप किया जा रहा था, और जबकि ऐसे वक्त में जब ट्रेनें अपने टाइम से 5-5, 7-7 घंटे लेट है, तो इनकी ट्रेन तो सिर्फ 1 घंटा लेट थी, तो ऐसे में किसी हद तक नागवारी का एहसास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी ट्रेन को आप ऑन टाइम भी कह सकते हैं। कुछ मौसम की वजह से, फॉग की वजह से ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो शेड्यूल है, वो अच्छा खासा मुतासर होकर रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ताखीर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बाकी सत्या भाई का रवायती जो अपने लोगों के साथ सफ़र होता है, संदीप भाई हैं और शियान भाई हैं और इस तरह 2-3 लोग और हैं, वो तो नहीं थे, लेकिन कुछ ज़ईफ़ुल उम्र लोग थे, कुछ बूढ़े लोग थे जिन्हें उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला, एक उम्र रसीदा जोड़ा था। और सत्या भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जब इस तरह के उम्र ज़्यादा लोगों को, यानी कि बढ़ती उम्र के लोगों को साथ सफ़र करने का मौका मिले, तो हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए, और इनकी खिदमत करके बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे हम अपने वालदैन की खिदमत कर रहे हैं। एक अपनायत का एहसास होता है, उन बुज़ुर्गों का भी अच्छा वक्त गुजर गया, एक नौजवान का साथ मिल गया, और इस नौजवान का भी अच्छा वक्त गुजर गया कि सियाने बंदों में बैठने का मौका मैसर आ गया। तो ये भी एक वीडियो का बड़ा ज़बरदस्त सा पार्ट था, क्योंकि आज तक सत्या भाई जो है वो अपने एक रवायती अंदाज में संदीप भाई और दूसरे तीसरे नौजवानों के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका सफ़र जो है वो ज़ईफ़ लोगों के साथ कटा। बाकी सत्या भाई कह रहे हैं कि मैंने आखिरी बार 2019 में सफ़र किया था, और आज 2024 में मुझे मौका मैसर आ रहा है इस शानदार राजधानी में सफ़र करने का, तो सहूलियात तो जो कि तू है, यानी कि ज़बरदस्त है, जो मियार उस वक्त था वो आज है, खाना
जो पैक्ड आइटम है वो, उसके अलावा जो ट्रेन में बनाया जा रहा था उपमा पोहा और जो कटलेट वगैरह, वो बहुत ही शानदार बताए जा रहे थे। फिर वक्त की पाबंदी का बड़ा ख्याल रखा जा रहा था, खाने के हवाले से और मुसाफिरों से पूछा जा रहा था कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी अगर इस राजधानी के जो इंटीरियर है, उस मुझे सबसे ज़्यादा बात पसंद है वो ये कि इसका ज़बरदस्त किस्म का जो छोटा सा कॉरिडोर है, वो एक बंदे के चलने के लिए बड़ी शानदार जगह है, क्योंकि बाकी ट्रेनों में तो ऐसा माहौल मैसर नहीं आता। प्राइवेसी भी इंतहा की है, चार बंदों के लिए जो कैबिन मुख्तस है, लेकिन अगर आप बाहर आकर कुछ चहल कदमी भी करना चाहते हो तो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर जो बड़ी बड़ी विंडो है उसकी वजह से बाहर के नज़ारे भी बड़े शानदार लगते हैं। तो फिर ऐसे में जब 130 पे जा रही हो, स्किपिंग हो रही हो और फिर इतनी बड़ी विंडो और चलने फिरने के, चहल कदमी करने के भी ऑप्शन मौजूद हो, तो फिर यह सफ़र अमेजिंग बन के सामने आता है। तो आज सत्या भाई के साथ मुंबई दिल्ली राजधानी का पार्ट 2 देखे, जिसमें उन्होंने शानदार स्किपिंग की, बहुत अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे। अब हम अगली बार मिलें, आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।